हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आई हूँ फेस मास्क के ऊपर, जो कि एक ही ब्रांड का है, एल्फ गुडनेस, जो कि मैंने दो फेस मास्क वहाँ से बाई किया है। पहला जो है वो है उपटन अल्फा आर्बोटिक रेडियंस फेस मास्क, जो कि आप ये देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोग को भी मैं बताती हूँ। ये एल्फ गुडनेस का मास्क है और इसकी प्राइस है 250 रुपये। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र में वहाँ से मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र चल रहा है अभी पर्पल्स पे, लगातार सेल वगैरह आते रहते हैं, तो आप उस सेल का फ़ायदा उठा सकते हो। और आप देख सकते हो इसको मैंने कितना सारा यूज़ कर लिया है, ऑलरेडी मेरा आधा डब्बा ये ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें उबटन वगैरह यूज़ किया गया है और ये ऑल स्किन टाइप के लोगों के लिए है, और पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। तो चलिए फटाफट इसको पहले यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते आगे बात करते हैं। सेकंड जो मैंने रिसेंटली मास्क खरीदा है वो है पपाया विटामिन सी AHA ग्लो क्ले मास्क, फेस मास्क, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये है वो मास्क और इसकी प्राइस है 250 रुपीज़। आपको ऑफ़र करके कुछ ना कुछ में मिल जाएगा ये। इसके सेल्फ लाइफ जो है वो 2 साल की है, और आपको पता ही है पपाया और विटामिन सी आपके स्किन के लिए कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए इसको भी लगाते लगाते यूज़ करते हैं। और मैंने दोनों फेस मास्क के बीच में 3 दिन का गैप रखा है ताकि आपको रिज़ल्ट पता चले कि क्या रिज़ल्ट रहा 3 दिन के बीच में। और मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कितना बढ़िया इसने रिज़ल्ट दिया, या सोसो दिया, या मतलब दिया ही नहीं कुछ भी रिज़ल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला फेस मास्क। तो चलिए हम फेस मास्क लगाते हुए बातें करते हैं, और मैं अभी वॉशरूम में हूँ तो थोड़ा आवाज़ गूंज रहा है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पपाया विटामिन सी AHA ग्लो क्ले फेस मास्क, और नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है ये। और आपको पता ही है कि एल्फ गुडनेस जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर हो चुका है अपने फेस मास्क वगैरह को लेके। राइट नाउ कोई भी फिल्टर मैंने नहीं लगाया है फ़ोन में, इवन मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाया है। तो चलिए इस पैक को लगाते हैं और उसके बाद लगाते लगाते इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो इस तरीके से ये सील है पूरा का पूरा, ओपन करते हैं। वाह, स्मेल काफी अच्छा है। तो आपको जैसे कि पता है कि पपाया जो है वो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। और विटामिन सी तो खैर मत ही पूछिए, मतलब वो तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित होता है। तो ये मुझे मिल गया था लाइक 250 रुपीज़ यहाँ मेंशन है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इस पे ऑफर होके जरूर मिलेगा। उनका मास्क का जो सीरीज है उन्होंने काफी अभी अपने रेंज को जो है डेवलप किया है एब्स गुडनेस वाले ने, और उनका हेयर पैक्स वगैरह सब कुछ मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं उनका पैक जरूर लगाती हूँ। इससे पहले मैंने हल्दी वाला लिया था, उबटन वाला सॉरी, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया भी है कि मैं उसको 3 दिन के बाद यूज करूंगी। पहले ये यूज कर लिया मैंने, बाद में उसको यूज करूंगी। तो आपको आपको पता ही है कि पपाया जो है कितना ज्यादा बेनिफिट है स्किन के लिए, जो आपके स्किन को अनइवन टोन जो हो जाता है, कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट ये हो जाता है, वो टोन को क्लियर करता है। और विटामिन सी जो है आपके स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को थोड़ा लाइटन करता है। और AHA जो कि है आपके डेड स्किन को रिमूव करेगा आपके फेस से। तो तीनों ही बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट्स इसमें मिले हुए हैं, तो आपको ये जरूर यूज करना चाहिए एक बार। तो चलिए मैं एक बार इसको अप्लाई कर लेती हूँ सारा कुछ। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद इसको वॉश करेंगे। और इसकी क्वांटिटी है आई थिंक, इसका इंग्रेडिएंट वगैरह सब डब्बे पे मेंशन है, और क्वांटिटी इसमें है, क्वांटिटी कितनी है भैया दिख जाओ। ये वाला मैंने साफ करके सेफ लगाया है, अभी मैंने वो डब्बे वाले से निकाला नहीं है, इसको क्यों बेकार जाने दो। तो चलिए 15 मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं, और 15 मिनट के बाद आपको मिलते हैं कि क्या चमत्कार हुआ है। वैसे कोई भी पैक लगाने से चमत्कार नहीं होता है, तो ये मत समझिएगा कि आपके साथ भी चमत्कार हो जाएगा। फेस को टाइम चाहिए होता है कुछ भी रिएक्ट या एक्शन या रिएक्शन करने के लिए। तो ये 50 ग्राम की क्वांटिटी में मुझे मिल गया था, और अब चलते हैं 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद सूखने तक आपको बोलना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो क्रैक हो जाता है पैक जो है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद।
सेकंड वाला जो मास्क है वो मैं 3 दिन के बाद यूज़ कर रही हूँ, और ये है उबटन अल्फ़ा का रेडियंस फेस मास्क, और ये मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे 170 रुपये में मिल गया था, ऑफ़ है अभी, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। और आपको पता ही है उबटन हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बेसिकली है उबटन क्ले फेस मास्क, जो कि मैंने बहुत बारी यूज़ किया है। अभी मैंने आपको दिखाया है, इसकी डिबिया भी खाली हो चुकी है, ऐसे मैंने इसको यूज़ किया है। तो आपको पता ही है कि उबटन हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा बरसों पुराना हमारे लिए वो फेस मास्क रहा है उबटन। और उबटन जो है नेचुरली आपके स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, डल स्किन को जो है उसको रिमूव करता है, सॉफ्ट बनाता है, सफल बनाता है। तो मुझे ये वाला फेस मास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बिहाइंड पिछले वाले से। अल्फ़ा अरुबुटीन इसमें यूज़ किया गया है। इसके पीछे साइंस ये है कि ये आपके स्किन को ब्राइट करता है, रिड्यूस करता है डार्कनेस को और डार्क स्पॉट को, और आपके कॉम्प्लेक्शंस को भी ये थोड़ा इवन आउट करता है। तो ये वाला फेस मास्क यूज़ करना आपको बनता है। मैं दोनों फेस मास्क की बात करूँ तो मुझे सेकेंड वाला फेस मास्क मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक तो उबटन होने की वजह से भी, और ऊपर से इतनी सारी खूबियाँ हैं इसमें। वैसे पपाया वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पपाया वाला क्या है कि आप गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते, आप उबटन है जो हर मौसम में आप यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग पपाया को गर्मियों में भी यूज़ करते हैं जिनको सूट करता है, पर मुझे नहीं करता, तो मैं उबटन वाला यूज़ करती हूँ। ये तो मेरा ऑल वेदर में फेवरेट है। तो ये मुझे 50 ग्राम की क्वांटिटी में मिल गया था, तो और इसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से अपने फेस पे कर लिया है स्प्रेड, और इसको 15 मिनट तक रखने के बाद मैं वॉश करूँगी। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और इसके रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पर्पल पे, तो आप जाके देख सकते हो। तो दोनों मास्क में से मैं इस मास्क को ज़्यादा रेट दूँगी। फर्स्ट वाला भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है, आप ये ट्राई कर सकते हो। तो चलो मैंने इसको 15 मिनट रखती हूँ, और 15 मिनट के बाद इसको वॉश करके आती हूँ। क्या हुआ था उस दिन ना, मैंने वॉश करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड का बटन ऑन करना ही भूल गई थी। उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो शूट किया, तो उसका वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसका तो मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि इस फेस पैक का अलग ही असर होता है फेस के ऊपर। तो इसके बाद मैंने कुछ शूट किया था, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसके बाद का ये सीन है। तो आप देख सकते हो फेस पे बहुत अच्छा सा निखार आता है इस पैक को लगाने के लिए। तो मैं आपको सेकंड वाला मास्क रिकमेंड करूँगी मेरे साइड से। अगर आप पपाया वाला यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ आप जा सकते हो। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट।